write down the problem. Two fair coins are tossed. What is the probability that at least one head occurs? Dwara suniye. Two fair coins are tossed. What is the probability that at least one head occurs? To dhyan se samajhiye. Agar main do fair coin ko toss kar raha hu, to sample space mein kya possibilities hain? Ya dono mein H aayega. या H और T आएगा, ऑब्वियसली डिस्टिंक माने जाएंगे, या T और H आएगा, या T और T आएगा. अगर मुझे ये नहीं दिया है, वो सेम है या अलग है, तो कॉइंस को अलग ही माना जाता है. और सैंपल स्पेस मेरे पास, अगर इन इवेंट्स को मैं अलग अलग नाम दूं, सेट से रिप्रेजेंट करूं, सैंपल स्पेस में ये एलिमेंट आएंगे, तो मैक्सिमम फोर पॉसिबिलिटीज हैं. नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस कितना आ गया मेरे पास, एन ऑफ एस इक्वल टू फोर. प्रॉब्लम क्या है मेरे पास, एटलीस्ट वन हेड अकर्स, एटलीस्ट वन हेड अकर्स, ये प्रॉब्लम है. तो इनमें तीन केसेस ऐसे हैं जिनमें कम से कम एक हेड आ रहा है. तो इस इवेंट के लिए कि एटलीस्ट वन हेड अकर, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस एन ऑफ ई मेरे पास कितना आएगा, एन ऑफ ई आएगा थ्री, एन ऑफ एस है फोर. तो प्रॉबिबिलिटी मेरे पास क्या होती है, किसी भी इवेंट के लिए प्रॉबिबिलिटी पी ऑफ ई क्या होता है, फॉर द इवेंट फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल केसेस. तो इस इवेंट के लिए नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस तीन है, नंबर ऑफ टोटल केसेस कितने हैं, चार है, फोर है, तो प्रॉबिलिटी इज थ्री बाई फोर. आसान प्रॉब्लम है, बेसिक प्रॉब्लम है. लेकिन यहां से सीखने के लिए हमारे पास ये है कि हमें यह समझना चाहिए कि अगर टू फेयर कॉइन्स आर टॉस्ड, मतलब अगर ये डिस्टिंक्ट कॉइन है, एच और टी और टी और एच सेम नहीं है, एच एन टी एन टी एन एच सेम होते, अगर ये दोनों कैसे होते, आइडेंटिकल कॉइन्स होते, सेम प्रॉब्लम में अगर ये दिया होता टू फेयर आइडेंटिकल कॉइन्स आर टॉस्ड, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट वन हेड अकर्स, तो ये दोनों एक ही हो जाता तो टू बाई थ्री आता, कुछ ऐसा कुछ आता. बात समझ में आ गई है, ठीक है. तो फॉर दिस प्रॉब्लम आंसर इज थ्री बाई फोर. और जो इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि जब तक मुझे मेंशन नहीं है आइडेंटिकल कॉइन्स और क्वेंस दिए हैं, तो इसका मतलब उन्हें कैसा माना है, डिस्टिंक्ट माना है, ठीक है, ओके.